अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू बिया कुक। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ एक अरबिक डिज़र्ट है जिसका नाम है लुकई मात। ये अरब कंट्रीज़ में बहुत पसंद की जाती है और मुझे उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत पसंद आएगी। उसके लिए सबसे पहले आपने एक कप मैदा लेना है। अब मैं इसमें 4 खाने के चम्मच दही के डालूँगी। अगर दही खट्टा है आप लोगों का ज़्यादा तो फिर आप 3 चम्मच डालें। अब मैं इसमें 1 खाने का चम्मच कॉर्नफ्लावर, 1 चाय का चम्मच चीनी और 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालूंगी। इसमें जाएगा 1 चाय का चम्मच यीस्ट और 1 खाने का चम्मच ऑयल। मैंने 1/2 कप नीम गर्म पानी लिया था, उसको मैं आहिस्ता आहिस्ता करके डालूंगी। इसको ज़्यादा पतला नहीं बनाना। फिर आप अपने अकॉर्डिंगली पानी डाल लें और उसको अच्छी तरह बीट करें जिससे आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको 1-2 मिनट के लिए बीट करें और फिर अच्छी तरह कवर करके घंटे के लिए रख दें। अब हम इसका शीरा बनाने की तरफ चलते हैं, जिसके लिए मैंने 1 पैन में 1 कप चीनी, 1 कप पानी और 1/4 टीस्पून लेमन जूस लिया। चीनी मेल्ट होने के बाद मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए हल्की आग पे पकाऊंगी और फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी रूम टेम्परेचर पर। अब आप देख सकते हैं कि मैदा जो है वो खमीर हो चुका है और ये जिससे बबल्स नज़र आ रहे हैं ऐसा ज़रूर होना चाहिए। अब इसको 3-4 मिनट के लिए अच्छी तरह फेंटें। जितना अच्छी तरह फेंटेंगी उतना ही खस्ता और अच्छे बनेंगे। अच्छी तरह बीट होने के बाद अब हम चलते हैं इसकी फ्राइंग की तरफ, जिसके लिए मैंने 1 पैन में डीप फ्राइंग वाला ऑयल लिया है और उसको मैंने बहुत अच्छी तरह गर्म किया है। और आपने मेक श्योर करना है कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो, वरना ये फूलेंगे नहीं। और फिर मैंने इस बैटर को मुट्ठी में लिया और इसको इस तरह डाला है कि वो बॉल से बन जाए। और इनकी खस्ता बनने की निशानी है कि जब इनको डालो तो ऊपर ऑयल में फ्लोट करना शुरू कर देते हैं। और फिर आपने इसको मीडियम फ्लेम पे मुसलसल हिलाते रहना है ताकि वो एक जैसा कलर हो जाए। जब डार्क ब्राउन हो जाए तो फिर आप इनको निकाल लें। इसको कोट करने के मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक डेट सिरप का है। डेट सिरप की वीडियो मैंने पहले डाली हुई है, अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक डाल दूंगी। डेट सिरप डालने के बाद इसको लुकई मात पे अच्छी तरह कोट कर दें। और दूसरा तरीका शुगर सिरप में डालने का है। जो शुगर सिरप मैंने अभी आपको सिखाया है उसको एक बोल में डालने के बाद लुकई मात पे अच्छी तरह कोट करके निकाल लें। और याद रखें, कोई भी कोटिंग तभी करें जब आपने सर्व करना हो। ये देखें, आपके ताज़ा खस्ता क्रिस्पी लुकई मात तैयार हैं। ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा।